बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो हब। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो किचन हुड पे बनाई जा रही है। किचन हुड मोस्टली लोगों को पता है कि जो हमारा किचन है उसमें हम हुड यूज़ करते हैं, जिसको हम एज ए एग्जॉस्ट के तौर पे भी कह सकते हैं। इसमें हुड इसलिए से कहा जाता है क्योंकि ये हुड टाइप इसकी शेप होती है एक तो, दूसरा ये हमारा जो होब होता है इसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर लगता है और इसका काम जो है किचन में से सक करना होता है स्मोक, और इसके अलावा जो कह लें कि हबस होती है या ये सारी चीज़ें हैं उसको एग्जॉस्ट करना होता है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कह लें कि प्रोडक्ट है जो कि आपका किचन है उसको नंबर वन तो एक खूबसूरत शेप देती है, खूबसूरत दिखने में, डिज़ाइनिंग में, और उसके बाद आपका जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम लेडीज़ का किचन में गुजरता है तो इसलिए किचन में माहौल बेहतर रहना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए जो किचन हुड है ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। आपका किसी किस्म का जो धुआं है या कुछ जलने की चीज़ या कुछ स्मोक किसी किस्म की भी चीज़ है, ये उसको बड़े अच्छे तरीके से फिल्टर करके ये आपका जो धुआँ है उसको एग्जॉस्ट करेगा। तो अगर इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो ये नॉर्मली जो लोकल कंपनीज बना रही हैं उसमें ये आपको 8,000 से लेके 15,000 तक लोकल जो कंपनीज हैं स्टेनलेस स्टील में भी, और उसके अलावा उसमें कुछ ना कुछ ग्लास भी यूज़ हुआ हो सकता है, ये 8,000 से 15,000 तक की रेंज में मिल जाता है। उसकी वारंटी 1 साल से 2-3 साल डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट वारंटीज भी दे रही हैं। उसके अलावा फिर अगर अच्छी कंपनीज की बात की जाए जिसमें कैनन आता है, सुपर एशिया आता है, नेस गैस आता है, इंस्टा गैस आता है, रेज कंपनी है, सिग्नेचर कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की हायर बना रहा है हुड, बहुत ज़बरदस्त किस्म की कंपनीज हैं जो कि अच्छे तरीन बेहतरीन कह लें कि क्वालिटी वाइज आपको पता है, फिर जारी बात है अगर अच्छी कंपनी बना रही है तो वो क्वालिटी में भी बेहतरीन देगी और उसकी डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है। उसी हिसाब से जो प्राइस रेंज है वो भी जो लोकल है उससे डिफरेंट होती है और वारंटी भी ज़्यादा होती है। अगर प्राइस रेंज की बात की जाए, हम इसको 20,000 से या 18,000 से स्टार्ट करके हम इसको 50,000-60,000 होते तो 2-3.5-2 लाख वाले भी होते हैं, लेकिन जो हम अगर नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो हमारा 20,000 से 50,000 की जो रेंज है उसमें बेहतरीन क्वालिटी का किसी भी कंपनी का आप हुड ले सकते हैं, उसमें हायर का ले सकते हैं। अभी मैं आपको वीडियो में हायर का हुड भी दिखा रहा हूँ, एक लोकल कंपनी है जी पावर, उस तरह की डिफरेंट कंपनीज लोकल भी हैं और अच्छी कंपनीज भी हैं। आज मैं सिर्फ आपको दो एज ए कह लें कि एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊँगा वीडियो में, बाकी आपको तमाम कंपनीज अच्छी जितनी भी ब्रांड शॉप्स हैं आप मार्केट होगी या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की थोड़ी सी बेहतर शॉप्स हैं उधर से आपको डिफरेंट क्वालिटीज़ के डिफरेंट कंपनीज़ के बहुत अच्छे हुड मिल सकते हैं। प्राइस रेंज की जो बात मैं वो आपको बता चुका हूँ, जो लोकल कंपनीज़ हैं वो 8,000 से 15,000 तक मिल जाता है, और अगर अच्छी ब्रांड की तरफ जाए जिसकी 5-6 साल वारंटी होती है वो आपको 20,000 से लेके 50,000 मैक्सिमम मिल जाता है। अगर आप मतलब अपनी आपकी रेंज बहुत ज़्यादा है तो आपको 1.5 लाख वाला भी मिल जाएगा, 2 लाख वाला मिल जाएगा। ये महंगा होने की इसकी वजूहत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, सस्ते और महंगे क्यों हैं। नंबर एक तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसकी जो कह लें कि नॉइस होती है वो बहुत कम होती है, जितना महंगा होगा ऐसा लगेगा कि जैसे चल ही नहीं रहा, तो वो बिल्कुल काम अपना कर रहा होगा लेकिन किसी किस्म का उसका शोर नहीं होगा। अगर हम थोड़ा सा लो क्वालिटी या लोकल लेते हैं तो उसका थोड़ा सा जैसे कोई फ़ैन चलने की आवाज़ आ रही होगी, तो ये एक तो फ़र्क होता है। दूसरा उसमें अच्छी क्वालिटी की मोटरें लगी होती हैं या उसमें फिर ब्लोअर लगे होते हैं जो अच्छे हैं, जो नॉर्मल है उसमें फ़ैन होते हैं, ब्लोअर भी होते हैं, फैंस होते हैं, तो अगर 2 फैंस होंगे तो जारी बात है वो ज़्यादा सक करेगा, उस हिसाब से उसकी प्राइस भी डबल हो जाएगी। फिर उसमें डिफरेंट कह लें कि फ़ीचर्स आ जाते हैं, उसमें लाइट का फीचर होता है, उसमें टच बटन होते हैं या फिर पुश बटन होते हैं, उसके अलावा फिर अगर स्टेनलेस स्टील का है तो वो थोड़ा सस्ता होगा, अगर मिरर वाला है वो थोड़ा महंगा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसकी प्राइस को और इसकी क्वालिटी को इफ़ेक्ट करती हैं। आज की वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ एक हायर कंपनी का है, दूसरा लोकल कंपनी का है, ये दोनों किस प्राइस में है वो भी बताता हूँ आपको, इसमें क्या क्या फ़ीचर हैं वो भी बताता हूँ, चलें आज की वीडियो देखते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें आपके सामने एक लोकल कंपनी का हुड है, इसके नीचे भी 2 LED लाइट्स लगी हुई हैं,
सेंटर में फ़ैन की जगह है जिधर से ये स्मोक और हबस वगैरह करेगा सक। उसके बाद ये इसके ऊपर पुश बटन लगे हुए हैं, एक मोटर का है, दूसरा इसके अलावा फास्ट स्लो उस मोटर को करने के लिए एक लाइट का है। ये सिंपल सा पीछे स्टील है, ये आगे भी स्टील है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा ये ग्लास का टच दिया गया है इसमें रेड कलर का। ये साथ ही इसका डिजिटल पैनल दिया गया है जिसमें ये सारे इसके फीचर्स नज़र आएंगे जो जो ऑपरेट हो रहे होंगे। तो ये इसकी बैक साइड भी आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये पीछे से ऐसा है, ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से बैक पाइप लगा के इसको एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद फिर ये हायर कंपनी का बहुत ही ज़बरदस्त पूरा ग्लास में है, ये ब्लैक कलर का, इसमें कलर डिफरेंट और भी आते हैं ग्रे वगैरह, ये ब्लैक कलर का है। ये देखें इसमें एलईडी लाइट भी दी हुई है, पुश बटन है, लो फास्ट फैन है, एलईडी का है, उसके बाद फिर ये ऑन ऑफ का है, चार बटन है टोटल इसमें। उसके बाद ये एक खूबसूरत, जितना ज़ाहरी बात है हायर कंपनी है, बेहतरीन क्वालिटी में ही देगी, तो इन्होंने इसलिए बेहतरीन देखें दिखने भी खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद फिर ये इसका ऊपर उठ जाता है, इसका ये कवर है, नीचे वो देखें फ़ैन लगा हुआ है और ये इसके ज़रिए ऑपरेट करता है। इसकी जो प्राइस है ये हमें 36,000 का मिल जाता है। ये देखें इसकी बैक साइड है, इधर से ये वो लगेगा पाइप, और जो नॉर्मल जो दूसरा था लोकल वाला वो आपको 12-12.5 हज़ार तक का मिल जाता है। तो इसमें लो क्वालिटी भी होती है लेकिन ये दरमियानी क्वालिटी के हैं।